हेलो व्यूअर्स, आप सबको मेरी तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली में हम बहुत सारे स्वीट डिश घर पे बनाते हैं, पर एक स्वीट डिश ऐसी है जिसे हम हर त्योहार पे और काफी सारे अवसर पे शगुन के तौर पे बनाते हैं। हाँ, आज हम लापसी बनाने वाले हैं, जो गुजरात की बहुत ही फेमस स्वीट डिश है, और आज इसे हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो काफी कम समय लगेगा। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम कुकर को गर्म रखेंगे। इसमें मैंने यहाँ पे 1 बाउल ब्रोकन व्हीट यानी कि फाड़ा लिया है। इसको हम धीमी आंच पे सेक लेंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको सेकने में। देखिए सेक गए हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसी कुकर में हम 1/4 कप घी रखेंगे। घी हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद हम इसमें ब्रोकन व्हीट जो हमने सेक के लिए थे वो डाल देंगे इसमें। इसको हमें हल्का सा पिंक होने तक सेकना है धीमी आंच पे। थोड़ा सा सेकने के बाद अब हम इसमें सिनामोन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर 1/2 चम्मच डालेंगे। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप दालचीनी का टुकड़ा भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़े से काजू डाल देंगे चॉप किए हुए, थोड़े से बादाम डाल देंगे। बादाम और काजू आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे सेक लेंगे। जिस बाउल से हमने फाड़ा यानी कि ब्रोकन व्हीट का नाप लिया था उसी नाप से हमको पानी भी डालना है इसमें। यानी 1 बाउल आपने ब्रोकन व्हीट लिए है तो उसी बाउल से हमको इसमें 2.5 कप पानी डालना है। अब इसमें 1/4 कप मिल्क डाल के इसे अच्छे से हिलाएंगे और इसका ढक्कन बंद करके 4 सीटी बजने तक गर्म करेंगे। कुकर को 20 मिनट के बाद खोलना है। देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं रहा है इसमें। इस तरह से इसको चेक करेंगे। अब इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ का नाप भी हमको उसी बाउल से लेना है जिससे हमने पानी और फाड़ा लिया है। 1 बाउल गुड़ लिया है मैंने। मीठा आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा ले लीजिए गुड़, या तो फिर कम खाते हैं तो कम ले लीजिए। अगर आप गुड़ की जगह शक्कर डालना चाहते हैं तो जिस समय आप पानी डालते हैं उसी समय आपको शक्कर डाल देनी है। पर अगर आप गुड़ डालना चाहते हैं तो गुड़ इस तरह से पीछे से ही डालिए। अगर आप पहले से पानी के साथ गुड़ डालेंगे तो आपकी लापसी है वो पकेगी नहीं, जो ब्रोकन व्हीट है वो कच्चे के कच्चे रह जाएंगे। अब इसमें 1/2 चम्मच इलायची का पाउडर डालेंगे और थोड़ी सी किशमिश डाल देंगे। अब इसे अच्छे से हिला के 2 मिनट के लिए पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं और लापसी हमारी सर्व करने के लिए तैयार है। देखिए कितने कम समय में लापसी तैयार हो जाती है ना इस मेथड से। ना ही तो हमको बार बार बीच बीच में लापसी को हिलाना पड़ता है, और बहुत ही कम समय में बहुत ही टेस्टी लापसी तैयार हो जाती है। और दालचीनी और इलायची का पाउडर डालने से इसमें टेस्ट बहुत ही उभर के आता है। एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और आपके ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको मेरी रेसिपीज और वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए।